हेलो गाइस, आई एम आशीष सर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है किस लेयर के अंतर्गत कौन सा प्रोटोकॉल आता है ये सब डिस्कस किए थे, मतलब आज उसी के आगे देखते हैं। जैसे नेटवर्क एप्लीकेशन रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं ये सब, कि किसमें जैसे ईमेल है इसमें कौन सा प्रोटोकॉल जो है वर्क करता है, ये सब आज देखते हैं। BCA 6 एंड 4th से कंप्यूटर नेटवर्क। एक तरफ लिख लेते हैं नेटवर्क एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं इससे रिलेटेड प्रोटोकॉल, मतलब रिलेटेड प्रोटोकॉल। पेन कहाँ चला गया? चलिए छोड़िए, पेन नहीं मिल रहा, इसी से पढ़ाते हैं। पहला है ईमेल। ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP। ठीक है, अब आप SMTP का फुल फॉर्म बताइए। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा दूसरा मेल इनबॉक्स, मेल इनबॉक्स में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? POP3। ठीक, अब कल ही मैंने POP का फुल फॉर्म बताया था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तीसरे नंबर पे मेल मर्ज में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? माइम। माइम का, चलिए माइम का फुल फॉर्म बताइए। माइम का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, याद रखिएगा। फोर नंबर पे आया फाइल ट्रांसफर में FTP। FTP का तो सबको फुल फॉर्म पता है। ठीक, अरे FTP का फुल फॉर्म तो इसके जस्ट सामने ही, इधर ही मैंने आधा लिख दिया। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसके बाद फिफ्थ नंबर पे सर्वर टू सर्वर फाइल ट्रांसफर, इस पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? NSF। ठीक, सिक्स नंबर पे चैटिंग। चैटिंग में कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? TCP। वो क्या बचा? वेब सर्फिंग, वेब ब्राउजिंग। ठीक, दोनों एक ही साथ। वेब ब्राउजिंग, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? अरे आप, इतना फेमस प्रोटोकॉल सब कोई जानता है, बताइए कौन सा प्रोटोकॉल? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा बताइए, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है?
डाउनलोडिंग। इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है बताइए? गूफर। कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? गूफर। जी ओ गू फर। ठीक है। रिमोट लॉगिन डिवाइस टर्मिनल एसेस, ये सब में क्या कौन सा यूज होता है? 9 नंबर। रिमोट लॉगिन डिवाइस टर्मिनल एसेस। ठीक। इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? टेलनेट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभी लोग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? बोलिए वाइप, VOIP, वाइप। और कौन सा बचा? लाइव स्ट्रीमिंग, ये तो बहुत फेमस है, लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग इस पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? बोलिए IPTV, IPTV। 12 नंबर, पिक्चर स्कैनिंग। पिक्चर स्कैनिंग, पिक्चर स्कैनिंग में कौन सा का वर्क करता है? बोलिए TVAN। ठीक है। इसके आगे हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्कस करते हैं। ठीक। नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्कस करते हैं, तो पहले नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में मैं आज ओवरव्यू दे देता हूं। इसके बाद भी नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे मेश टोपोलॉजी है, इसको थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं। जैसे मेश टोपोलॉजी है, तो मेश टोपोलॉजी कैसे होगी? ऊपर डाल देते हैं, क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी, हेडिंग है नेटवर्क टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी कैसा होता है? मेश टोपोलॉजी जिसमें क्या है कि कंप्यूटर आपस में, ईच कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब जैसे ये एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है, ठीक, और एक कंप्यूटर है, और एक कंप्यूटर है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, एक दूसरे से सभी इंटरकनेक्टेड। ये मेश टोपोलॉजी, ये कैसा होगा? एक्सपेंसिव होगा, हाई स्पीड होगी, इंटरकनेक्टेड, हाई स्पीड इंटरकनेक्टेड, टू ऐड एन एक्स्ट्रा नोड, देन वी हैव टू क्या, वी हैव टू रीस्ट्रक्चर। मतलब कि अगर इसमें क्या है, एक भी नोड आप अगर जोड़ेंगे तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा। मतलब इसमें ये चीजें की दिक्कत है। ठीक है। अब बस टोपोलॉजी, बस कैसा होगा? बस एक बोन होगी, उस बोन में सभी जो है कंप्यूटर अटैच होंगे, ऐसे करके। ठीक। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है। अब देखिए, मल्टी पॉइंट होगा, सिंगल वायर होगा, सेंट्रल, मिडल, बैकबोन, फॉर लाइन। इसमें अगर मेन जो है बैकबोन बेकार हो गई, ठीक है, इसमें डिफॉल्ट आ गया, तो पूरा प्रोसेस दिक्कत में आ जाएगा। वैसे ट्री होगा, ट्री में क्या होगा, एक रूट नोड कंप्यूटर होगा और इसके फर्दर टू डिवाइडेशन नोड बनते जाएंगे, ऐसे करके। ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर रूट नोड क्या होगा, मतलब फेलर, इट इज नॉट यूज एन अ नेटवर्क,
मतलब ये क्या है, एक तरीके का फेलर है ये अभी इस समय यूज नहीं हो रहा नेटवर्क पे। ठीक। इसके बाद आ गया जैसे स्टार आ गया, इसमें सब एक हब डिवाइस होगी HUB, और इसमें बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे जुड़े रहेंगे इसी से, इस तरीके। ठीक है, मतलब ये क्या है, बेस्ट है, हाई प्राइवेसी है, रिलायबल है, सेंट्रल डिवाइस है, सॉरी रिंग है। रिंग में क्या है, सभी कंप्यूटर एक सर्कल में रिंग की तरह जुड़े होंगे ऐसे करके। ठीक है। इट्स नोड इज अ क्या, लास्ट नोड, एडजेसेंट नोड, सिंगल डायरेक्शंस, टोकन मेथड, ये किस पे वर्क करता है, टोकन मेथड पे वर्क करता है। इसके बाद क्या बचा, हाइब्रिड बचा। हाइब्रिड में क्या होगा, सब मिक्स मार जाएंगे, जैसे ये लीजिए, ये बना दिया। इसमें बस भी जुड़ गया, मेस भी जुड़ गया, रिंग भी जुड़ गया, सब जुड़ गए, ट्री भी जोड़ देते हैं। इसके फर्दर टू नोड्स, ठीक है, इसी में स्टार भी जोड़ देते हैं, इस तरीके का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे से नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।